आपकी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने में जो चीज़ आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करती है वो है अच्छी लाइटिंग। जैसे अभी हम स्टूडियो में शूट कर रहे हैं तो हम स्टूडियो लाइट का यूज कर रहे हैं और ये हमारी वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव कर देती है। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहले तो ये पोर्टेबल नहीं है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी और दूसरा उसका पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपको कोई पावर सॉकेट ढूंढना पड़ेगा अगर इसको आपको यूज करना है। और ये काफी ज्यादा स्पेस भी लेती है। स्टूडियो में तो काम चल जाता है लेकिन कई जगह आपके पास इतना स्पेस नहीं होता। जैसे आपको ऑन द गो चाहिए, व्लॉगिंग के लिए चाहिए, आपको अपने पीसी सेटअप के पास रखना है, वहां आप लाइव स्ट्रीम करते हैं उसके लिए चाहिए, या आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसके लिए आपको चाहिए, यानी किसी भी सिनेरियो में आपको पोर्टेबल लाइट चाहिए, कॉम्पैक्ट साइज की कोई लाइट चाहिए या इजी टू यूज लाइट चाहिए, तो ये आपके लिए नहीं है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में है तो इस वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में हम मोवी लाइफ की तरफ से आने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंस लैंप के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इस पे लिखा तो वीडियो कॉन्फ्रेंस लैंप है बट ये बहुत सारे सिनेरियो में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें जो आपको लाइट मिलती है काफी कॉम्पैक्ट साइज की है और वो इनबिल्ट बैटरी के साथ आपकी आती है, यानी कि आपको उसको कहीं पे प्लग करने की जरूरत नहीं है, ऑन द गो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे सबसे पहले एक यूजर मैनुअल आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपकी लाइट को लेकर सभी इन्फॉर्मेशन है कि वो कितने वॉट की है, उसकी बैटरी कितनी है, सभी नॉलेज है। बट इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये काफी इजी टू यूज लाइट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका इंटरफेस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी इसको यूज करने के लिए, काफी सिंपल है। इस वीडियो को देखते ही आप समझ जाओगे कि इस लाइट को कैसे यूज करना है। इसके बाद बॉक्स में एक टाइप ए टू टाइप सी केबल आपको देखने को मिलेगी और काफी लंबी लेंथ की ये केबल, अगर आप जैसे देखो काफी लंबी लेंथ है, यानी कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इससे चार्ज करने में। और ये बात मेरे को इसकी काफी अच्छी लगी कि ये टाइप सी कनेक्शन के साथ आती है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट मैंने देखे हैं जो अभी भी माइक्रो यूएसबी केबल के साथ आते हैं, पता नहीं वो किस चीज का वेट कर रहे हैं। अब तो आईफोन ने भी टाइप सी पोर्ट देना शुरू कर दिया, आप किस चीज की वेट कर रहे हो? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हर गैजेट के लिए, आपको अलग से एक केबल लेके घूमना पड़ता है उसको चार्ज करने के लिए। बट अगर टाइप सी पोर्ट के साथ गैजेट आए तो अपने मोबाइल चार्जर से ही आप सब कुछ चार्ज कर सकते हो। जैसे सोनी ZV-10 मेरा कैमरा, ये भी टाइप सी पोर्ट से ही चार्ज होता है। चलो ये सब छोड़ते हैं और मुद्दे पे वापस आते हैं। और इसी साथ बॉक्स में एक ऐसी क्लिप आपको देखने को मिलेगी, इसके ऊपर ये शू माउंट पोर्ट देखने को मिलेगा, यहां आप अपनी लाइट को अटैच करके अलग अलग डिवाइस के साथ इसको यूज कर सकते हैं। और आखिर में हमें अपने बॉक्स में ये लाइट देखने को मिलती है, काफी कॉम्पैक्ट साइज की लाइट है और काफी हल्की है, ज्यादा हैवी नहीं है। उसके साथ साथ ये काफी मजबूत लग रही है इसकी बॉडी। और अगर इसके बटन्स की बात करें, यहाँ आपको ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है, आपको कुछ सेकंड के लिए इसको दबा के रखना पड़ता है, इससे ऑन हो जाती है। और यहाँ आपको एक नॉब दिया जाता है, इसको रोटेट करने से इसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा होती है। जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे ये ज्यादा हो जाएगी और यहाँ ऐसे नीचे करने से ये कम हो जाएगी। ये काफी अच्छा ऑप्शन है इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए, कि आपको अपने सीन में जितनी लाइट चाहिए उस हिसाब से आप लाइट इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके दूसरी तरफ एक और नॉब दी जाती है, इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है। जैसे ही आप इसको नीचे करोगे ये वार्म लाइट की तरफ जाएगी और जैसे ही आप इसको ऊपर करोगे ये कूल लाइट की तरफ जाएगी। इसे भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी वार्म लाइट चाहिए या कूल लाइट चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं अपने फेस पे दिखाऊं इसकी कूल लाइट और वार्म लाइट का क्या इंपैक्ट पड़ता है, अभी ये कूल लाइट है और जैसे धीरे धीरे मैं इसको वार्म लाइट की तरफ कर रहा हूं तो ये वार्म लाइट है। अगर इसके लाइट टेम्परेचर की बात करें तो 3000 केल्विन से 6000 केल्विन के बीच आपको लाइट टेम्परेचर मिलेगा। और इसके बैक साइड ही आपको टाइप सी एक पोर्ट देखने को मिलेगा इसको चार्ज करने के लिए, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। और इस बटन के साइड में ही आपको चार यहाँ पे लाइट दिखेगी, ये इंडिकेट करेगी इसकी बैटरी लाइफ की, कितनी बैटरी पावर इसके अंदर है। जैसे अब ये चारों लाइट ऑन है इसका मतलब ये अभी फुल चार्ज है, और जैसे ऐसे कम होती रहेगी एक एक इसकी ये लाइट बंद होती रहेगी। और इसके बैक साइड यहाँ इसकी कुछ डिटेल लिखी है, 2000 mAh की इसके अंदर बैटरी है और इसकी लाइफ क्लेम कर रही है जो कंपनी 2.5 घंटे से 5 घंटे के बीच में क्लेम कर रही है, तो काफी अच्छा टाइम आपको मिलेगा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। अगर इसके फ्रंट की बात करें तो यहाँ LED पैनल है, जैसे अभी मैंने ऑन करके दिखाया था। और इसके फ्रंट पे इसके डिफ्यूजन के लिए कुछ इसके ऊपर कोई व्हाइट कलर का मटेरियल है जिससे एक लाइट इसकी डिफ्यूज होती है, मतलब ये थोड़ी सॉफ्ट लाइट आपको देता है। वीडियो रिकॉर्ड करने में सॉफ्ट लाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये तो आप सब जानते ही हैं। अगर बात करें अपने डिवाइस से कैसे इसको कनेक्ट करना है, आपको शू माउंट देखने को मिलेगा, यहाँ से भी आप अपने कैमरा पे, अपने GoPro पे या किसी भी तरीके से जहाँ पे शू माउंट लगता है वहाँ इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके सेंटर में आप देखोगे तो 1/4 का एक स्क्रू होल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि
आप अपने ट्राइपॉड पे इसको यूज कर सकते हो, लाइट स्टैंड पे इसको यूज कर सकते हो, मतलब अलग अलग सिनारियों में यूज कर सकते हो। बाकी जो मैंने एक क्लिप दिखाई थी इसके साथ भी इसको कनेक्ट करके आप अलग अलग डिवाइस के साथ यूज कर सकते हो। और एक बात जो मुझे अच्छी लगी, इस लाइट में आपको तीनों तरफ शू माउंट पोर्ट दिए जाते हैं, यहाँ भी ऊपर भी साइड में भी दोनों तरफ, ताकि जब अपने कैमरा पे या अपने किसी भी डिवाइस पे आप इसको शू माउंट पे अटैच करोगे, और उसके साथ अगर आपको कोई माइक भी अटैच करना है तो इन पोर्ट पे आप उस माइक को या किसी भी डिवाइस को अटैच कर सकते हो, यानी कि आप सभी डिवाइस को एक साथ यूज कर पाओगे। ये तो इस डिवाइस की सारी डिटेल की, बॉक्स में क्या क्या मिलता है और इसमें क्या क्या पोर्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको किस तरह से यूज करोगे और कितना यूजफुल ये प्रोडक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं कि अपने कैमरा में आप इसको शू माउंट से अटैच कर सकते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट को आप करते हैं उसके शू माउंट पोर्ट में अटैच करना है और यहाँ से इसको टाइट कर देना है। इसके बाद अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो और माइक भी आप अटैच करना चाहते हो तो किसी भी ऑन कैमरा माइक को इसमें जो पोर्ट दिए जाते हैं वहां पे आप अटैच कर सकते हो। अगर आप अपने मोबाइल के साथ इसको यूज करना चाहते हो तो दो तरीके से इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो जो क्लिप दी जाती है इसके साथ, उस पर आपको अपनी लाइट को इस तरह से अटैच करना है, इसके जो शू माउंट में है इसमें इस तरह से अटैच करके यहाँ से इसको टाइट कर देना है। इस क्लिप को आपको ओपन करना है और अपने मोबाइल पे इस तरह से इसको अटैच करना है। इसके बाद आपको अपनी लाइट को ऑन कर लेना है और आप इसको यूज कर पाओगे अपने मोबाइल के साथ। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको बैक कैमरा, अगर आप फ्रंट कैमरा यूज कर रहे हो तो आप इसको सामने ऐसे कर सकते हो, तो काफी ईजी हो जाएगा इसको यूज करना। और इसको क्लिप के साथ आप बहुत सारे डिवाइस पे यूज कर सकते हो, जैसे आप अपने लैपटॉप पे यूज कर सकते हो, अपने मॉनिटर पे यूज कर सकते हो, अपने टैब पे यूज कर सकते हो, जहां भी आप इस क्लिप को लगा सकते हो वहां इसको यूज कर सकते हो। बट अपने लैपटॉप और अपने मॉनिटर पे इसको यूज करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो इसकी क्लिप है उस आपकी स्क्रीन पे ना हो, क्योंकि शायद ये लॉन्ग टर्म में आपकी स्क्रीन को डैमेज कर सकती है। तो आप सोच सकते हो कि जो मेरा मॉनिटर है या जो मेरा लैपटॉप है वो तो बेजललेस है, तो ये लाइट मेरे किसी काम की नहीं है। बट ऐसा नहीं है, इसका भी एक जुगाड़ है कि आपको जब ये लाइट यूज करनी है तो उसके जो कॉर्नर होता है उस पे इसको यूज कीजिए, क्योंकि चाहे कितना ही बेजललेस आपका मॉनिटर हो या आपका लैपटॉप हो, जो उसका कॉर्नर होगा वहां तो वो हार्ड प्लास्टिक होगी, तो वहां उसको आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि मैं भी अपने लैपटॉप पे अपने मॉनिटर पे जब मुझे यूज करना होगा तो मैं ऐसे ही यूज करूंगा, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे तो है बेजल ये लाइट लगाने के, बट मेरे मॉनिटर पे नहीं है, तो मैं उसके कॉर्नर पे इसको यूज कर सकता हूँ, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस क्लिप को आप रोटेट भी कर सकते हो, जो भी एंगल आपको देना है अपनी लाइट को उस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो। और अगर आपकी क्लिप ये रोटेट नहीं हो रही तो यहाँ स्क्रू दिया है, इसको आप थोड़ा लूज कर ले, शायद ये टाइट हो ज्यादा, उसके बाद आपकी ये क्लिप रोटेट होने लगेगी। ये तो हो गया इसकी क्लिप की बात। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, जो हमने बताया था कि आप अपने मोबाइल इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन के लिए आपको कुछ ऐसा मोबाइल होल्डर चाहिएगा जिसके ऊपर आपको शू माउंट ये पोर्ट देखने को मिले, उसके बाद आपको अपने मोबाइल पे इस मोबाइल होल्डर को लगाना है और उसके बाद इस लाइट को इसके जो शू माउंट है उस पे आपको टाइट कर देना है और ये आपके मोबाइल से अटैच हो जाएगी लाइट। जिस भी तरीके से चाहे आप इसको अटैच कर सकते हैं, फ्रंट से या फिर बैक से, जो भी आपको चाहिए उस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद इस मोबाइल होल्डर को किसी भी ग्रिप के साथ आपको अटैच करना है और ये आपकी ब्लॉगिंग किट पूरी तरह से तैयार हो गई। आप इस पे कोई भी माइक अटैच कर सकते हैं जो आपको चाहिए, और ये काफी हल्की लाइट है, 118 ग्राम के आसपास ये लाइट है, तो ये ज्यादा वजन ऐड नहीं करेगी आपके मोबाइल पे या किसी भी डिवाइस पे जिस डिवाइस के साथ आप इसको यूज करोगे। अगर इसकी लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो काफी ज्यादा इंटेंसिटी की आपको लाइट मिलेगी। अगर मैं दिखाऊं सीन में, अगर कोई लाइट ना हो तो आपको कुछ इस तरह की फुटेज मिलेगी, और अगर आप सीन में लाइट ऐड करते हो तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह की फुटेज मिलेगी। उसके बाद इसमें आप इसकी लाइट की इंटेंसिटी और इसका टेम्परेचर तो कंट्रोल कर ही सकते हो, जैसा भी आपको लुक चाहिए उस मुताबिक आप अपनी फुटेज शूट कर सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये लाइट पसंद आई और आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको चेक कर सकते हो, खरीद सकते हो जो भी आपका दिल करे। बाकी अगर आप अपना यूट्यूब स्टूडियो तैयार करना चाहते हो और आप समझना चाहते हो कि लाइट कहाँ यूज करनी है, कैमरा कहाँ यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हो। ये काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपको समझने में ये सभी चीजें। बाकी तो आप सभी जानते हो कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जो भी कर रहे हो काफी अच्छा कर रहे हो, इसी तरह करते जाइए। धन्यवाद।